हेलो एंड वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ओईसीएम के बारे में। ओईसीएम मींस अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। यह क्यों चर्चा में है? यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में आईयूसीएन ने भारत में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम को भारत की पहली ओईसीएम साइट का दर्जा प्रदान किया है। चलिए तो अब इसमें जान लेते हैं कि ओईसीएम होता क्या है। सन 2018 में CBD अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 14वीं COP मीटिंग में सरकारों ने OECM की एक परिभाषा को एक्सेप्ट किया था। और वह परिभाषा क्या थी? वह परिभाषा थी कि कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकली डिफाइंड एरिया जो कि प्रोटेक्टेड ना घोषित हो, उसका एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म आउटकम्स में इन सीतू कंजर्वेशन हो। इन सीतू कंजर्वेशन का अर्थ होता है उसी स्थान पर कंजर्वेशन जहां वह है, ना कि चिड़ियाघरों या किसी और स्थान पर ले जाकर। अगर हम इंसीतु कंजर्वेशन की बात करें तो ऐसा कंजर्वेशन जो कि नेशनल पार्क या ऐसे किसी क्षेत्र में होता है वह इंसीतु कंजर्वेशन कहलाता है। लेकिन यहां यह याद रखने जरूरी होगा कि वह ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो कि प्रोटेक्टेड एरिया घोषित ना हो। यदि वह प्रोटेक्टेड एरिया घोषित होगा तो OECM में वो नहीं लिया जाएगा। तो ये OECM की एक डेफिनेशन ली गई थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब जान लेते हैं कि OECM की कैटेगरीज कितनी है। इसको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल कैटेगरी, सेकेंड इज वेटलैंड एंड थर्ड इज मरीन। अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल को तो टेरेस्ट्रियल को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। उसमें क्या क्या आता है? उसमें बायोडाइवर्सिटी पार्क, इंडस्ट्रियल इस्टेट, ब्लेच कॉमन्स, कम्युनिटी लैंड्स, सेक्रेट ग्रोव्स। सेक्रेट ग्रोव्स की अगर हम बात करें तो ऐसे ग्रोव्स होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं। इसके अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो अरुणाचल प्रदेश में गुम्फा वन, इसी तरीके के अन्य पवित्र कुंज भारत के अन्य अलग अलग राज्यों में होते हैं, उनको हम सेक्रेट ग्रोव्स कहते हैं। यहाँ तक कि इसमें प्राइवेट फॉरेस्ट और प्राइवेट सेंचुरीज भी शामिल की जाती हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का अपना खुद का फार्म हाउस है और वहाँ एक फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जाता है तो उसे भी OECM का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड एरियाज, अर्बन ट्रीज एंड फॉरेस्ट, इसके अलावा एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम को भी OECM का दर्जा दिया जा सकता है। यदि एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम की बात करें तो इसका एक उदाहरण उड़ीसा के कोरापुट में होने वाली खेती को लिया जा सकता है और उसको भी OECM का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि अभी उसको दर्जा नहीं दिया गया है और ये याद रखना है कि भारत में केवल एक ही साइट है जिसको OECM का दर्जा प्राप्त है। चलिए अब बात करेंगे वेटलैंड कैटेगरीज की। वेटलैंड कैटेगरीज को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, पहली इनलैंड वेटलैंड और सेकेंड कोस्टल वेटलैंड। इनलैंड वेटलैंड में क्या क्या आता है? इसमें झीलें, नदियों द्वारा बनाई गई आर्द्र भूमि, बांध, यहाँ तक कि नहरें भी शामिल होती हैं। ये सब शामिल हो जाएंगी इनलैंड वेटलैंड में। अब यदि हम बात करें कोस्टल वेटलैंड की तो कोस्टल वेटलैंड में शामिल होंगी क्रिटिकली वल्नरेबल कोस्टल एरियाज या फिर CBCAs, और सेकेंड बात करें तो होगी इम्पॉर्टेंट कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एरियाज, ये आ जाएंगी कोस्टल वेटलैंड में। अब यदि हम तीसरे क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो होता है मरीन कैटेगरीज का। मरीन कैटेगरीज में दो साइट्स आती हैं। सबसे पहली हो जाएगी इसमें IMBA या इम्पॉर्टेंट मरीन बायोडाइवर्सिटी एरियाज, और सेकेंड बात करें तो इकोलॉजिकली कल्चरली सिग्निफिकेंट कोस्टल एंड मरीन एरियाज ECSCMA। ये दो कैटेगरीज हो जाएंगी मरीन कैटेगरीज में। अब इसके बाद जान लेना जरूरी हो जाता है कि क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं OECM बनाने के लिए। चलिए पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है एरिया मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोटेक्टेड एरियाज। इसका मतलब ये है कि यदि पहले से ही वो एरिया नेशनल पार्क या सेंचुरी है जिसको सरकार ने डेजिग्नेट किया है तब फिर वो OECM में नहीं आएगी। सेकेंड क्राइटेरिया है एरिया शुड बी इफेक्टिवली गवर्न्ड एंड मैनेज्ड एंड इट शुड बी ज्योग्राफिकली डिफाइंड। ज्योग्राफिकली डिफाइंड का मतलब क्या है कि एक एरिया होना चाहिए जिसको पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया गया हो कि कहाँ पे एरिया है और यही ये साइट है। ऐसा नहीं होगा कि हम ओपन ग्राउंड को बना दें। जैसे अगर हम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात करें तो वह गुड़गांव में है। इसी तरीके से यदि हम क्राइटेरिया सी की बात करें तो एरिया शुड अचीव सस्टेंड एंड इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन, अर्थात वहाँ पे जो कंजर्वेशन होगा वो इन सीटू होगा। इन सीटू का अर्थ ये होता है कि हम वहाँ से ले जाके चिड़ियाघर में ले जाके या कहीं और ले जाके उनका संरक्षण नहीं करेंगे, वहाँ जो जातियाँ हैं उनका वहीं पे संरक्षण होगा। तो तीसरा क्राइटेरिया हो जाता है इन सीटू कंजर्वेशन का। और अगर हम लास्ट क्राइटेरिया की बात करें तो यह एरिया शुड डिलीवर एसोसिएटेड इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विस
एंड कल्चरल, स्पिरिचुअल, सोशियो इकोनॉमिक एंड लोकली रिलेवेंट वैल्यूज, अर्थात जो भी एरिया हो वह वहाँ की संस्कृति को दिखाता हो, उसका आर्थिक महत्व हो, यहाँ तक कि उसका सामाजिक महत्व भी होना चाहिए। यदि इन चारों क्राइटेरियाज को देखें तो ये चारों क्राइटेरिया OACM की डेफिनेशन में ही दिए गए हैं और उसी से इन चारों क्राइटेरिया को आसानी से पता लगाया जा सकता है। चलिए अब OACM के बेनिफिट्स को देख लेते हैं। इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारे बेनिफिट्स हैं और आप इसकी PDF को भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट होता है कंजर्विंग इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। जैसे कि जो भी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जरूरी हो जाते हैं। दूसरा, सपोर्टिंग द रिकवरी ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज, मतलब जो भी ऐसी स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे हैं उनकी रिकवरी में भी ये सहायता कर सकता है। मेंटेनिंग इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सिक्योरिंग इकोसिस्टम सर्विसेज। अगली बात करें तो एनहेंसिंग रेजिलेंस अगेंस्ट थ्रेट्स। अगली अगर हम बेनिफिट की बात करेंगे तो वो होगा रिटेनिंग एंड कनेक्टिंग रेमिनेंट्स ऑफ फ्रेगमेंट इकोसिस्टम विद इन डेवलप्ड लैंडस्केप। इसका क्या मतलब होता है कि रेमिनेंट ऑफ फ्रेगमेंटेड इकोसिस्टम, इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए दो नेशनल पार्क हैं जो आपस में बहुत करीब हैं लेकिन फिर भी उनके बीच में एक सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर नेशनल हाईवेज गुजरते हों या फिर जहाँ पर बस्ती हो, तो ऐसे एरिया में जब वहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके लिए एक थ्रेट होती है। इनको सिक्योर करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा हो सके। अगर हम अगला देखें तो रिकॉग्निशन एज OACMs ऑफन लीड टू इंक्रीज प्राइड एंड एम्पावरमेंट विद इन द लोकल कम्युनिटीज। जैसे कि हमने बात की OACM में वो साइट होती हैं जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड ना हो, तब इनके प्रोटेक्शन का जिम्मा किस पे होता है, वो होता है लोकल कम्युनिटीज, NGOs आदि पर। तो यदि किसी भी साइट को OACM का दर्जा दिया जाएगा तो उन लोकल कम्युनिटीज के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा और वह और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सुरक्षा पर ध्यान देंगे। यदि हम अगली बेनिफिट पे देखें तो OACM इनकरेज इनोवेटिव मॉडल्स ऑफ कंजर्वेशन। इनोवेटिव मॉडल्स का क्या मतलब है कि हम ऐसे मॉडल्स डेवलप करते हैं कंजर्वेशन के लिए जिससे वाइल्ड लाइफ की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा की जा सके, जैसे ग्रीन कॉरिडोर बना देना या फिर कैमरा ट्रैप लगा देना। इस प्रकार के जो कंजर्वेशन मॉडल्स होते हैं इनोवेटिव मॉडल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने जाना कि भारत में पहली OACM साइट अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। ऐसी ही नई नई जानकारी जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।